यही रास्ता महिलाओं के लिए इस सरकार ने चुना है। दफ्तरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। छोटे उद्योगों से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गांव में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। साथियों, बेटियां सक्षम भी हैं और शक्ति का रूप भी है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में पहली बार सशस्त्र बलों में महिलाओं की एक व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। पहली बार बेटियां फाइटर प्लेन्स उड़ा रही है। साथियों, सशक्तिकरण की बात जब आती है तो देश में एक और बड़ा वर्ग है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने अन्नदाता को हम नए भारत की नई ऊर्जा का वाहक बनाना चाहते हैं। किसानों को सशक्त करने के लिए हम इस दिशा में गंभीरता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम किसानों की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पहले की सच्चाइयों को स्वीकार करना भी जरूरी है। खेती और किसान की स्थिति दशकों की लापरवाही और बेरुखी का परिणाम है। कारण यह रहा कि पहले जिनके पास किसान को संकट से बाहर निकालने का दायित्व था, उन्होंने शॉर्टकट ढूंढे, आसान रास्ते ढूंढे, चुनाव का सोचा। उन लोगों ने अन्नदाता को सिर्फ और सिर्फ मतदाता भर बना रखा था, अपनी मतपेटी भरने के लिए। हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। साथियों, इसलिए हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। ये व्यवस्थाएं बनने में समय जरूर लेती हैं, लेकिन इनका लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिलता है। नहर जब बन रही होती है तब वो एक लंबे से गड्ढे के अलावा कुछ नहीं होता। कभी आने जाने वालों की नाराजगी भी होती है, लेकिन जब उस नहर से पानी खेत पहुंच जाता है तो उसके पीछे की सोच और श्रम का सीधा सीधा लाभ नजर आने लगता है। साथियों, देश का किसान इस बात का साक्षी है कि लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग कितने दशकों से चल रही थी। देश का किसान यह भी जानता है कि पहले कैसे इस सुझावों को ही फाइलों में दबा दिया गया था। ये भाजपा की सरकार है जिसने स्वामीनाथन आयोग की इस सिफारिश को न सिर्फ लागू किया बल्कि हर संभव कोशिश रही है कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिले। इसमें अब भी जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें राज्य सरकारों के सहयोग से दूर करने का ईमानदारी से प्रयास भी किया जा रहा है। किसानों से अन्न अनाज की खरीद को लेकर हम कैसे गंभीरता से काम कर रहे हैं, इसका भी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। याद करिए, कुछ वर्ष पहले जब हम लोग आए, उसके पहले की बात कर रहा हूं, दाल की कीमतों को लेकर कितना हल्ला मचाया जाता था। अब कितने दिन हो गए आपको टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज,
दालों की कीमत के संबंध में कि दाल की कीमत सातवें आसमान पर है, ये ब्रेकिंग न्यूज देखने को नहीं मिलता है। ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि दाल के उत्पादन, उसकी खरीद और उसकी कीमत को लेकर भाजपा सरकार ने एक दूरगामी सोच के साथ काम शुरू किया, नई नीतियां बनाई, नए फैसले किए। साथियों, पहले की सरकार ने अपने आखिरी के पांच वर्षों में, आप याद रखिए, अपने आखिर के पांच वर्षों में 7 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की। आप बताएंगे कितनी? कितना? 7 लाख टन उनके आखिरी पांच साल में। अब भाजपा का सरकार का आंकड़ा सुनेंगे, हमने 4-4.5 साल में क्या किया, हमने खरीद की है, कितनी? सुनेंगे आप? याद रखेंगे? याद रखेंगे? याद रखेंगे? भाइयों और बहनों, हमने बीते 4.5 वर्षों में लगभग 95 लाख मैट्रिक टन, यानी लगभग 13-14 गुना से अधिक उपज हमने किसान से खरीदी है। यह है हमारे काम का तरीका। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सारी समस्याएं दूर कर ली गई, ऐसा मैं नहीं कहता। साथियों, मुझे एहसास है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। किसानों पर ऋण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं, उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास है। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, विरोधी दलों के कुछ साथी ये आरोप लगाते हैं कि हमने सिर्फ नाम बदले हैं, योजनाएं तो वही पुरानी है। पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। यहां तो कुछ लोगों को मुझसे यही शिकायत है कि हमने नाम नहीं बदले हैं। ये बड़े बड़े अस्पताल, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट, सैकड़ों की संख्या में योजनाएं अभी तो उसी नाम से चल रही थी जो पैसे रखे कर किया गया है। और मैं तो ऐसे लोगों से ये भी जानना चाहता हूं कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो मेरे नाम से चल रही है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप मुझे बताइए, क्या आयुष्मान योजना के आगे नरेंद्र मोदी जुड़ा है? क्या भारतमाला सागरमाला परियोजनाओं के आगे नरेंद्र मोदी लिखा है? क्या जनधन योजना नरेंद्र मोदी जनधन योजना के नाम से जानी जाती है? क्या उज्ज्वला योजना को हमने नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना का नाम दिया है? नहीं ना। इसलिए ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले दिन से सिखाया जाता है, स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। यही हमारे संस्कार है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। भाइयों और बहनों, देश में सिलेंडर पहले भी मिलते थे, पासपोर्ट पहले भी बनते थे, ऑनलाइन रेल रिजर्वेशन पहले भी होता था, सड़कें भी पहले बनाई जाती थी, रेल पटरियां भी पहले बिछाई जाती थी, पुल भी बनते ही थे। लेकिन 4 साल में इन्हीं सब कार्यों में जो गति भाजपा सरकार ने दी है,
वह गति अभूतपूर्व है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि हमने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए, सब कुछ कर लिया, ये मैं नहीं कहता हूं। अगर सब कुछ हासिल हो ही गया होता तो फिर मोदी की जरूरत ही क्या थी। मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने सारी व्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। हां, मैं ये जरूर दावा करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि देश को आगे बढ़ाने में हमारी व्यवस्था में जो कमियां थी उसे दूर करने का हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। मैंने दिन रात एक करके प्रयास किया है कि देश के लोगों का जीवन और आसान बने, देश के वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, गरीबों को उनका अधिकार मिले। आप सोचिए, पहले की सरकार में जिस रफ्तार से हमारे देश में गरीबों के लिए घर बन रहे थे, अगर उसी रफ्तार से बनते रहते तो हर गरीब का अपना घर होने में कितना समय गुजर जाता। सोचिए कि जिस रफ्तार से पिछली परिवारवादी सरकार में हमारे गांवों तक बिजली पहुंच रही थी, अगर उसी रफ्तार से पहुंचती तो उन 18,000 से ज्यादा गांवों में रहने वालों को 10 साल और इंतजार करना पड़ता। जहां हमने बिजली पहुंचा दी है, सोचिए कि जिस रफ्तार से पहले के दलाली के युग में देश में शौचालय बन रहे थे, अगर वैसे ही बनते रहते तो हर घर में शौचालय होने में अगला दशक बीतने के बाद भी सवालिया निशान लटकता रहता। सोचिए कि जिस रफ्तार से पहले की असंवेदनशील सरकार में हमारे देश में गैस कनेक्शन दिए जा रहे थे, अगर वही रफ्तार होती अनेक पीढ़ियां गुजर जाती, हर घर में गैस पहुंचाने का शायद सपना पूरा नहीं होता। सोचिए कि जितने बड़े पैमाने पर पहले की भ्रष्ट सरकार में सरकारी सब्सिडी का पैसा लीक हो रहा था, गलत हाथों में जा रहा था, अगर वैसे ही जाता रहता तो ईमानदार टैक्स पेयर की कितनी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाती, देश के काम नहीं आती। सोचिए कि जिस रफ्तार से सड़कें बन रही थी, जिस रफ्तार से रेल लाइनें बिछ रही थी, उनका विद्युतीकरण हो रहा था, अगर वैसे ही होता रहता तो देश कैसे आगे बढ़ पाता, कैसे 21वीं सदी के नई ऊंचाई पर पहुंच पाते। ये सारे काम, ये सारे प्रयास पहले भी हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 के बाद ऐसे हर काम को नई ऊर्जा दी, नई गति दी। वही लोग हैं, वही धरती है, वही आसमान है, वही समंदर है, लेकिन जमीन से आसमान तक बदलाव हो रहा है। 125 करोड़ भारतीयों का परिश्रम इसे मिलकर बदल रहा है। साथियों, अब देश की अर्थव्यवस्था अपनी डावाडोल स्थिति से बाहर निकलकर तेजी से पारदर्शी होने की तरफ बढ़ रही है। 2014 से पहले देश उस स्थिति में था जब ईमानदारी से टैक्स देने वालों की कमाई की बैंकों में अपनी मेहनत का पैसा जमाने करने वालों की कोई कदर नहीं रह गई थी। पब्लिक मनी प्राइवेट वेल्थ बन गया था और जिनके पास जनता के पैसे की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वही जनता के पैसों को लुटाने में लगा हुआ था। हालत ये हो गए थे कि हमारा मध्यम वर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई जिन बैंकों में रखता था वो सत्ताधारी कांग्रेस की निजी तिजोरी बन गए थे। जनता का पैसा घोटाले बाजों को
एक के बाद एक लोन के तौर पर बांटा जा रहा था, लुटाया जा रहा था। साथियों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम है? देश के साथ कांग्रेस ने जो गंभीर विश्वासघात किया, उसे बार बार, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसे बार बार कहा जाना, बताया जाना आवश्यक है। भाई और बहनों, आजादी से लेकर साल 2008 तक यानी 60 साल में बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये याद रखना आप, देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2006 तक 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 6 साल में लोन का आंकड़ा बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। यानी 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया और कांग्रेस शासन के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे किया जाता था। साथियों, उस समय देश में लोन लेने के दो तरीके होते थे। एक तरीका था कॉमन प्रोसेस, जिससे लोन मिलता था, और दूसरा तरीका था, जिसे लोन मिलता था उसे कहते थे कांग्रेस प्रोसेस। भाइयों और बहनों, कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को मजबूर किया जाता था अपने घोटालेबाज दोस्तों को लोन देने के लिए। कॉमन प्रोसेस में आपको 10 या 20 लाख रुपए का लोन मिलता था, जिससे आप अपना घर बनाते थे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में सैकड़ों हजारों करोड़ का लोन सिर्फ एक फोन कॉल पर मिल जाया करता।